चुनाव के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिसमें कहा गया कि शायद कुछ प्रोटेस्ट में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का भी कुछ हस्तक्षेप है, कुछ पैसे हैं, कुछ कैश है जो इन प्रोटेस्ट के साथ मैच कर रहा है। नहीं, हमें रिपोर्ट्स बहुत सारी सरकारी एजेंसियों से मिली है, गृह मंत्रालय इन पर डिटेल जांच कर रहा है, आगे देखेंगे जांच में क्या आता है। लेकिन पीएफआई झारखंड में बैन थी, फिर बैन उठ गया, अब इन सब चीजों का दोबारा से एक दौर चला है कि पीएफआई के थ्रू और उसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज के कनेक्शंस भी बताए गए हैं, पीएफआई पे आपका क्या स्टैंड है? नहीं देखिए, जब जांच चल रही हो उस समय मुझे कुछ भी कहना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मैं गृह मंत्रालय का इंचार्ज हूँ, गृह मंत्री हूँ, गृह मंत्रालय इसकी डिटेल में जांच कर रहा है। एक बार जांच समाप्त हो जाएगी, रिपोर्ट आएगी, तो इसको हम सार्वजनिक भी करेंगे और उचित कदम भी उठाएंगे, अगर कुछ कदम लेने जैसा है तो। पर प्रिलिमिनरी, फिर ये क्या सिर्फ कैंपेन के दौर का एक उछाला हुआ सब्जेक्ट था जिसमें कई पार्टियों के नाम? हमने नहीं उछाला, आपने उछाला। दोष हमेशा मीडिया का उछाला, हमने कहा उछाला है, हमने कुछ नहीं कहा इसमें। दोष हमेशा मीडिया का ही होता है ना, दोष नहीं, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, हमने कहा आपकी चैनल ने चलाया। शाहीन बाग और प्रोटेस्ट के साथ एक और मुद्दा जड़ा हुआ है, देश के बच्चे, एक 4 महीने के बच्चे की वहां मौत हो गई। बच्चे उठाकर बच्चों को सिखाया जा रहा है जो हिटलर की चाल चलेगा, और कई कई वाक्य यहां हुए हैं दोनों तरफ से। जिन्ना वाली आजादी चाहिए, जिन्ना वाली आजादी, और दफन कर देंगे हिंदुओं को, और शर्जील इमाम की बात है जिन्होंने कहा कि 5 लाख लोग अगर आ जाएं तो चिकन नेक में बंद करके आसाम को काट सकते हैं और ये मुसलमानों को करना चाहिए। आपको लगता है कि ये एक इशू है जिसको उत्तेजित एटमॉस्फेयर में आता है और चला जाता है, या इंटेलिजेंस के हिसाब से आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी के लिए जरूर एक डेंजर है? देखिए, किसी ने भी इस प्रकार के एक्सट्रीम स्टेटमेंट आइदर और साइड से नहीं करने चाहिए, वो देश के लिए और देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं होते। जहां तक शर्जील इमाम का सवाल है, उन्होंने असम बंद करने की बात करी थी, हमने उनको अभी बंद कर जेल में रखा है। सेडिशन कहा जाता है, आपकी सरकार में सेडिशन बड़े आराम से और बहुत जल्दी जल्दी यूज होता है। एक बार आप डाउनलोड कर आंकड़े निकाल दीजिए, कांग्रेस से 2% भी नहीं है।